हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपीएजी पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 11 की प्रश्नमाला 9, और 9 में हमने 9.1 भी पढ़ी है, 9.2, 9.3 पढ़ी है। आज पढ़ेंगे उसके हम विविध प्रश्नमाला। तो सारे प्रश्न करेंगे देखो एक एक करते हुए, और नई एनसीईआरटी के अनुसार करेंगे देखो। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया है, के मान ज्ञात करो जबकि रेखा, ये आपके सामने रेखा का समीकरण दिया गया है। अब तीन शर्तें दी गई है, इन तीनों शर्तों को रखते हुए आपको के का मान ज्ञात करना है। यानी एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है, मूल बिंदु से जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष के समांतर होती है तब के का मान ज्ञात करते हैं। यानी ये रेखा जब एक्स अक्ष के समांतर है तो के का मान क्या होगा, जब वाई अक्ष के समांतर है तब के का मान क्या होगा, और ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो के का मान क्या होगा। तीनों अलग अलग परिस्थिति में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं देखो, सबसे पहले इस रेखा का हम ज्ञात करते हैं ढाल। एम का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। एम का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं। पहले वाई को अलग कीजिए, यानी ये वाई का पद इसको अलग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये दो अपनी जगह पर ही है। तो 4 माइनस k² 4 माइनस k² यहां लिखा है देखो वाई बराबर, ये देखो माइनस का था अब प्लस का बन गया। देखो ये के माइनस 3 और यहां एक्स लिख देंगे, प्लस के स्क्वायर माइनस 7x 7k और यहां आ जाएगा प्लस के 6। ये देखो सही क्या, अभी गुणा में इसको भाग में रख देते हैं तो वाई का मान आ जाएगा के माइनस 3 और बट्टे में आ जाएगा 4 माइनस k² और यहां हो जाएगा आगे एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 और भाग में रख देंगे हम 4 माइनस k² भी। अब ढाल क्या होती है देखो, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में हम समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण को इसमें एम का मान आ जाएगा एम बराबर के माइनस 3 बट्टे 4 माइनस k² एक्स अक्ष के समांतर है। अगर रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो वहां पर एम बराबर में क्या होता है, हमेशा टेन जीरो होता है। एम बराबर टेन जीरो, एम बराबर टेन 0 डिग्री बराबर में हो जाएगा जीरो। यानी एम का मान आप क्या लिख दोगे, जीरो लिख दोगे। तो यहां आ जाएगा जीरो बराबर के माइनस 3 बट्टे 4 माइनस k² इसके बाद में एक मान लो के माइनस, वज्र गुणा करेंगे देखो, के माइनस 3 बराबर में हो जाएगा जीरो। तो के का मान आ जाएगा आपके सामने 3 प्राप्त होगा। के बराबर माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 है। ये देखो पहले एक नंबर हो गया। दो नंबर, वाई एक्स के समांतर हो। अब अगर वाई एक्स के समांतर है तो एम बराबर में होगा टेन 90, और टेन 90 का मान हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। देखो अनंत को लिखते हैं 1/0, अनंत को लिखते हैं 1/0। 1/0 देखो अगली बार इसके बराबर रख देंगे, यानी 1/0 बराबर, 1/0 बराबर के माइनस 3 और यहां आ जाएगा 4 माइनस k² अभी को जैसे वज्र गुणा करें, 4 माइनस k² को 1 से गुणा कर लो तो आ जाएगा 4 माइनस k², 4 माइनस k² के माइनस 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, किसका होगा पक्षांतरण, के स्क्वायर का मान होगा 4, के का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2। तीन नंबर, ये के का मान देखो प्लस माइनस 2 हो सकता है। मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु दिशाएं क्या होते हैं, मूल बिंदु के हम जानते हैं निर्देशांक होते हैं 0 और 0। अब इसमें क्या करते हैं देखो, इस रेखा में एक्स का मान भी रख देंगे 0 और वाई का मान भी रख देंगे 0, तो के का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले एक्स का मान रखते हैं 0, तो यहां हो जाएगा के माइनस 3, यहां पर आ जाएगा 0, 4 माइनस k² 0 प्लस k² माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। ये पूरा 0, ये पूरा 0, इतना ही सेंस बचेगा। अब इसके टुकड़े कर सकते हैं, जब गुणा करें तो आना चाहिए प्लस का 6, जोड़ें घटाएं तो आना चाहिए माइनस 7k, तो संख्या हो जाएगी माइनस का 7k और माइनस का k, तो आ रहा है माइनस का 7k आएगा। यहाँ k² रख देंगे, यहाँ माइनस का 6k, माइनस का k,
प्लस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में अलग कॉमन, अब इनमें कॉमन k आ रहा है तो यहाँ शेष क्या बचेगा, k माइनस 6 बचेगा। इनमें कॉमन माइनस a कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। अब k माइनस 6 को आप बाहर रख दो और शेष बचेगा k माइनस 1। अब k माइनस 6 बराबर 0 तो k का मान तो क्या आ जाएगा 6, और k माइनस 1 बराबर 0 k का मान आ जाएगा 1, तो k का मान 6 और 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार एक्स एक्स का मान एक्स एक्स के समांतर है तो के का मान अलग होगा, वाई के समांतर है तो अलग होगा, अरे का मूल बिंदु से जा रही है तब भी क्या होगा, देखो अलग होगा। ये आपका सवाल नंबर 1 होता है कंप्लीट। इसके बाद में आगे सवाल नंबर करते हैं हम 2। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जिनके अक्षों से काटे गए अंत्य खंडों का योग और गुणनफल दे रखा आपको है। तो इसका आगे दूसरा पॉइंट करते हैं, दूसरा पॉइंट आपके सामने दिया गया है। अब अंत्यखंड में जानिए ना, उन लिखा है उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जिनके अक्षों से काटे गए अंत्यखंड का योग और गुणनफल 1 और -6 दे रखा है। ठीक है, तो ये मान सकते हैं, माना रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड, माना रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड, अक्षों पर काटे गए ए और बी है। ये क्या मान सकते हैं, ए और बी मान सकते हैं, देखो काटे गए अंत्यखंड ए और बी है। अब योग इनका दे रखा है 1, गुणनफल दे रखा है -6 दे रखा है। ठीक है, यानी आपके सामने देखो ये दे रखा है ए, योगफल यानी इसका मान 1 है और गुणनफल ए बी का मान दे रखा है -6 दे रखा है। ठीक है, योगफल दे रखा है -6। अब इसको आगे हल करते हैं, देखो पूरे को हम ए का मान भी ज्ञात करेंगे और बी का मान भी ज्ञात करेंगे। यहां देखो ए का मान आ जाएगा 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, ये मान यहां रख दो, देखो ए का मान रख देते हैं यहाँ 1 माइनस बी, यहां पर बी बराबर -6, उधर गुणा करेंगे बी माइनस का बी स्क्वायर और बराबर माइनस का 6, बी स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, माइनस का बी होगा और -6 बराबर 0। यानी इसका कर दिया पक्षांतरण, इसका कर दिया पक्षांतरण और ये अपनी जगह रह गया। अब इसके देखो बी का मान क्या प्राप्त होगा, एक तो होगा माइनस का 3b प्लस का 2b माइनस का 6 बराबर 0। दोनों में बी कॉमन आएगा तो शेष बचेगा बी माइनस 3, 2 कॉमन आएगा शेष बचेगा बी माइनस 3 बराबर 0। अब बी माइनस 3 बार किलो और यहाँ बचेगा बी प्लस 2। बी का मान क्या होता है, देखो एक तो प्लस प्लस का 3 प्राप्त होगा, एक होगा माइनस का 2, 2 प्राप्त हो गए। अब देखो अगर b का मान अगर प्लस का 3 आ रहा है, b का मान अगर प्लस का 3 आ रहा है तो a का मान आ जाएगा 1 माइनस 3, यानी माइनस का 2 प्राप्त होगा, 1 बराबर माइनस का 2। और अगर b बराबर माइनस का 2 आएगा तब a का मान क्या होगा, देखो यहां बन जाएगा 1 माइनस और माइनस 2 यानी प्लस का 2, तो a का मान बन जाएगा 3। आपको इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, जब a का मान माइनस 2 है तो b का मान 3 होगा, और a का मान 3 है तो b का मान क्या होगा, माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब क्या ज्ञात करते हैं, देखो अब आगे समीकरण ज्ञात, सूत्र क्या बनता है, देखो अक्षों द्वारा काटे गए समीकरण क्या होता है, अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड सूत्र होता है x बट्टे a प्लस y बट्टे b बराबर 1। अब इसमें a का मान क्या है, देखो माइनस 2 है तो यहाँ आ जाएगा x बट्टे माइनस का 2, और b का मान है 3 तो यहाँ आ जाएगा y बट्टे 3 बराबर में 0। इनका लघुत्तम ले लेते हैं माइनस का 6, तो माइनस 6 में यहाँ 3 बचेगा, देखो यहाँ आ जाएगा 3x और यहाँ बचेगा माइनस का 2y बराबर 0।
अब उधर गुणा कर लो इनको, तो शेष बचेगा 3x-2y = 0। एक तो समीकरण देखो ये प्राप्त होगा। अब एक मान ये रख दो, ए का मान 3 और बी का मान -2, तो यहाँ हो जाएगा x बट्टे 3 और y बट्टे -2 = 1। यहाँ पर भी लघुत्तम माइनस है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x, यहाँ प्लस का 3y = 1। और जैसे ही वज्र गुणा करेंगे इनको आपस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x + 3y = यहाँ पर देखो बराबर में 1 है, बराबर में 1 है, तो यहाँ उसको इसका उत्तर आएगा माइनस का 6 बनेगा देखो, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ये हो गया समीकरण। इस प्रकार ये आपके सामने सवाल नंबर 2 होता है कंप्लीट।